press the bell icon on the YouTube app and never miss another. Hi students, एक बार फिर से मैं आप सभी का seminary classes आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने ये जुमला कई बार सुना होगा, एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है। आखिर ये जुमला कहाँ किसने था? ये किसी और ने नहीं बल्कि हिटलर के एडवाइजर जोसेफ गॉबल्स ने कहा। अब इसी गॉबल्स की ये जो बात है, इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के संदर्भ में ये पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियोस में जाना कि कैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा हो कि आखिर बाकी लोग कर क्या रहे थे, लोग क्यों उसका विरोध नहीं कर रहे थे, या फिर कोई लोग उसका समर्थन कर रहा था तो क्यों कर रहा था, आखिर हिटलर ने क्या किया था? क्या आपको लगता है उठा उठा और आया और सारा कुछ करने लगा? क्या वो सारा कुछ उसने एक दिन में कर दिया? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे उसकी वेल प्लान स्ट्रेटजी थी, उसने पूरा प्लानिंग किया हुआ था। तो ये जो मन में आपके सवाल आ रहा है, इस सारे सवाल का जवाब आपको यहां मिलने वाला है। ये टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। आर्ट मतलब होता है कला, किसी भी चीज को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए उसको कला कहते हैं, आर्ट कहते हैं। प्रोपेगेंडा मतलब दुष्प्रचार, किसी के बारे में कोई ऐसी बात फैला देना जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको इतना तेजी से फैला दिया गया कि अब बहुत मुश्किल है कि उसको सही किया जाए, तो उसे ही कहते हैं हम लोग प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार। तो हिटलर ने भी यही काम किया, एक झूठ को 100 बार बोला, 100 माध्यमों से बुलवा दिया, जिससे क्या हुआ, लोगों के दिलो दिमाग के कोने कोने में यह बात बैठ गई कि जो हिटलर कह रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई है। सारे लोगों के दिल दिमाग में यह बात नहीं बैठी, लेकिन अच्छे खासे लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। ऐसा कैसे हुआ, आइए समझते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट काम उसने किया वो शब्दों का, वो बहुत बड़ा बाजीगर था। मैंने आपको पहले ही बताया वो बहुत ही जबरदस्त स्पीकर था, तो शब्दों का बाजीगर था, तो उसने शब्दों की बाजीगरी से लोगों के दिलों को बदल दिया, उनको उनके मनों को जीत लिया, उनको अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया। उसने जो शब्द यूज किया था बहुत ही इफेक्टिव हुआ करते थे और साथ साथ में डिसेप्टिव हुआ करते थे। क्या मतलब हुआ, इफेक्टिव मतलब बहुत ही प्रभावशाली, सुनने के बाद आपको याद हो जाए, ऐसा टाइप का उसको मन में गुनगुनाने लगे। डिसेप्टिव का मतलब जो आप समझ रहे हैं इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब होता ही नहीं, यानी कि धोखाबाजी वाला शब्द, यानी कि आप कह लीजिए कि उसमें उसका मीनिंग जो दिखने में लग रहा वो ना हो बल्कि उसका रियल मीनिंग कुछ और हो, वैसे शब्द को डिसेप्टिव शब्द कहेंगे। आपको क्या लगता है हिटलर ऐसा बोलता होगा, मार डालो, किल ऑल ऑफ देम, मार ऑल देम, बर्न देम, ऐसा नहीं कहा करता था हिटलर। उसके जगह पे वो कोई और शब्द यूज किया करता था जिससे कई लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा, अब फिर यहाँ पे चल क्या रहा। आइए समझते हैं उसने क्या क्या शब्द यूज किया। उसने यूज किया स्पेशल ट्रीटमेंट शब्द। स्पेशल ट्रीटमेंट का क्या मतलब, स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब आपको लग रहा है कि अच्छा लड्डू को खिलाएगा पूरा खाना पीना चलेगा, ऐसा होता नहीं कई बार कोई टीचर किसी बच्चे को बहुत मान चाह करते हैं, या घर पे आपका कभी कुछ बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाने लगा, फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो घर पे लोग बहुत इज्जत कर रहे हैं, अचानक से बहुत लड्डू मिठाई चल रहा, मोहल्ले वाले लोग बड़ी इज्जत की नजर से देख रहे हैं, सम्मान की नजर से देख रहे हैं, तो उसे ही हम स्पेशल ट्रीटमेंट कहते हैं ना कि हाँ भाई उनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, सबको अलग तरीके से व्यवहार किया गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, इसी को ना हम लोग कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको ऐसा तो नहीं लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब कि मार के तोड़ दिया गया? यहाँ पे ये हो रहा है, लोगों को जो मारा जा रहा था, किलिंग किया जा रहा था, उसके लिए जो शब्द यूज उसने किया स्पेशल ट्रीटमेंट, देखिए सुनने में भी अच्छा लग रहा और ये डिसेप्टिव नहीं है, आपको लग रहा है कि अच्छा लोगों को बहुत खिलाया पिलाया जा रहा, बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा, लोग बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं ना ना नो नो नो, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है लोगों को मारा जा रहा। एक और शब्द यूज किया गया फाइनल सॉल्यूशन। आप लोग फाइनल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक नेगेटिव वर्ड या पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड है फाइनल सॉल्यूशन। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है तो सॉल्यूशन की तलाश में होता है, तो हिटलर ने हमने कहा
कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनल सॉल्यूशन, हम एक फाइनल सॉल्यूशन शुरू करेंगे। जर्मनी में लोग परेशान थे, वो एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते थे जिससे उनका प्रॉब्लम दूर हो जाए। फाइनल सॉल्यूशन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कुछ सॉल्यूशन आएगा, समस्या आएगा, कुछ प्रॉब्लम को हल किया जाए। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यूस को ही प्रॉब्लम मानता, ये ज्यूस को ही प्रॉब्लम माना और इसका सॉल्यूशन क्या है, ज्यूस को ये प्रॉब्लम मानता था और इसका सॉल्यूशन उसने क्या बताया। सॉल्यूशन ये नहीं कि उनको कन्वर्ट करके आर्यन वगैरह बनाया जा सकता, नो नो, दे विल बी किल्ड, और इसी को सॉल्यूशन बोला। प्रॉब्लम कौन है, ज्यूस, उनको मार दिया गया, यही सॉल्यूशन है। तो इसे कहा गया था फाइनल सॉल्यूशन। अगली बात क्या है, एक और टर्म इसने यूज किया, डिसइंफेक्शन एरिया, ऐसा एरिया जहां कोई इंफेक्शन ना हो, से क्या बोलेंगे हम लोग, डिसइंफेक्शन एरिया, द एरिया विच हैव नो इंफेक्शन, यानी वैसा एरिया जिसको इंफेक्शन से फ्री कर दिया गया। लोगों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा, वाह बहुत अच्छा, ऐसा एरिया जहां कोई इंफेक्शन नहीं है, तो मतलब क्या होगा, नहाने धोने को साफ सफाई का पूरा जबरदस्त इंतजाम होगा, वहां उसने वैसा शावर वगैरह भी लगा दिया था जिससे आपको देख के लगे कि अच्छा है ना, लोग नहाते धोते होंगे और इन्फेक्शन वगैरह को हटाते होंगे। नहीं नहीं, ये अनडिजायरेबल जो लोग थे ना, उन्हीं को इन्फेक्शन मान रहा था। तो वैसे एरिया जहां इन लोगों को मार दिया जाता था, उस एरिया को डिसइंफेक्शन एरिया बोला गया, और ये एरिया क्या कह रहा था, गैस चैम्बर। समझ रहे हैं आप, शब्द इसने क्या कहा और इसका अर्थ क्या निकल रहा है। ओह माय गॉड, तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में हमने समझा कि इसने शब्दों का इस्तेमाल किया और मीडिया का इस्तेमाल किया। शब्द जो होते थे बहुत इफेक्टिव, जिससे मासेस उसकी ओर खींचे चले आते थे और उनको लग रहा होता कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा, लेकिन ये जो बातें होती थी डिसेप्टिव, यानी कहना कुछ और चाह रहा है, इसका मतलब कुछ और है। स्पेशल ट्रीटमेंट, पूरी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, यानी मार के बर्बाद कर दिया जाएगा, लोगों को जान दी जा रही, उनको मास क्लीन की जा रही है। फाइनल सॉल्यूशन मतलब स्पेशली ज्यूस को मारा जा रहा है, उनको प्रॉब्लम माना जा रहा है। डिसइंफेक्शन एरिया, सुनने में लग रहा है बहुत अच्छा एरिया है जहां इंफेक्शन नहीं है, नो ऐसा कोई एरिया नहीं है, अगर ऐसा सोच रहे तो गलत बात। ये ऐसा एरिया है जहां पे काफी लोगों को मारा जा रहा है जो अनडिजायरेबल है, उन्हें ही वो हिटलर इन्फेक्शन मान रहा था। तो इन शब्दों से काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, जैसे भी आप, जब तक आपको नहीं मालूम था आप भी कंफ्यूज हो रहे थे। आइए समझते हैं कि कैसे उसने मीडिया का इस्तेमाल किया अपने इन शब्दों को फैलाने के लिए, अपने मैसेज को फैलाने के लिए। मीडिया आप समझ रहे हैं, एक माध्यम जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बातों को पहुंचाया जाता है, बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है। तो हिटलर ने भी मीडिया का यूज किया था, उस जमाने में व्हाट्सएप, फेसबुक ये सारी चीजें नहीं थी, वरना हो सकता है उसका भी कोई फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप जरूर होता। तो उस जमाने में उसने इमेज का इस्तेमाल किया, विजुअल इमेज। तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर में क्या है, हिटलर के हाथ में हैमर है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, रिप्रेजेंट ये करना चाह रहा है, हिटलर धाकड़, गाना सुना होगा धाकड़ है, हिटलर धाकड़ है, देश को हर तरह के प्रॉब्लम से वो निजात दिलाएगा, उससे छुटकारा दिलाएगा, और उसका इमेज एकदम दबंग टाइप का है, और वो देश को गलत लोगों से आजाद करेगा, फिजूल लोगों से आजाद करेगा, जो करप्शन फैला उससे दूर करेगा। अभी ये सारी बातों को इमेज के द्वारा भी, पैम्फलेट्स के द्वारा, रेडियो वगैरह भी लगाया, हर घर में लगा दिया गया था, जहां हिटलर अपने मन की बात प्रसारित किया करता था। कैची स्लोगन्स थे, स्लोगन्स ऐसे थे जो काफी कैची थे, सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग पे वो जाके छप जाते थे, ऐसे स्लोगन्स को यूज करता था। उद्देश्य क्या होता था इन सारे स्लोगन्स का, इन सारे स्लोगन्स का उद्देश्य होता था कि कैसे ज्यूस के बारे में नफरत लोगों के मनों में कूट कूट कर उनके नस, उनके ब्लड, उनके सेल, उनके टिश्यू तक में डाल दिया जाए। इसके लिए इसने फिल्म वगैरह भी बनवाई थी, फिल्म की था इंटरनल ज्यू, जिस फिल्म में ज्यूस लोगों को स्टेरियोटाइप किया गया था। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है उनके बारे में एक ऐसी ओपिनियन बनाई गई जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, नाक उनकी टेढ़ी होती है, वो अजीब तरह के देखने के लगते, देश के लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनको मॉक किया गया, उनको हर दिन उन पे मॉक किया गया, मतलब होता है कि उनकी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है, और उनको माना जा रहा है कि वो देश के लिए कीड़े मकोड़ों के समान है। उनकी तुलना
चूहों से, कीट पतंगों से, कीड़ों से, दीमक से की जा रही है। इसके बाद एक तरह का डीह्यूमनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, यानी लोगों को डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल को कहा जा रहा है कि ये तो इंसान ही नहीं। डीह्यूमनाइज मतलब यही होता है, इंसानियत से अलग किया जा रहा है, डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, उनके बारे में फैलाया जा रहा है। इससे क्या हो गया, लोगों को मन में काफी हद तक ये बातें धीरे धीरे बैठनी शुरू हो गई, यहां तक कि काफी ज्यूज लोगों को भी यकीन होने लगा कि हम लोग ऐसे ही हैं। इसी से समझ सकते हैं कि इस प्रोपेगेंडा कितना सक्सेसफुल रहा, लोगों के दिमागों पे इन्होंने काम किया। दे वर द माइंड्स ऑफ द पीपल, और चूंकि लोगों के मन में गुस्सा तो था, लोगों के मन में नफरत तो थी, किसके लिए भाई, वाइमार रिपब्लिक के लिए थी, अपने इकोनॉमिक बुरे हाल के लिए थी। लेकिन आप जानते हैं लोग कभी भी अपने ऊपर ब्लेम लेना पसंद नहीं करते, लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम लेना चाहेंगे, अपनी सुस्ती अपनी काहली को तो ब्लेम करेंगे नहीं। तो उसने इंसानों की साइकोलॉजी का फायदा उठाया और ये सारा ब्लेम मार दिया अनडिजायरेबल लोगों पे, रटना कहना शुरू करें इन्हीं लोगों की वजह से तुम लोग बर्बाद हुए, इन्हीं लोगों की वजह से तुम लोग बर्बाद हुए, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे बुरी हालत के लिए। और इसको सिर्फ ना ही बोला बल्कि रेडियो, इमेज, स्लोगन्स, पॉम्फलेट, फिल्म, हर जगह से चारों तरफ से घेर के लोगों के दिमाग में मैसेज को प्रिंट करवा दिया ताकि अब उसका काम करना आसान हो जाए। और ये उसमें काफी तक वो सक्सेसफुल हुआ था। कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने बच्चों को, ज्यूस महिलाओं को, ज्यूस मेन को मार दिया था अलग अलग तरह की सुई देखे। कई छोटे छोटे बच्चे, इतना उनका मन प्रदूषित हो चुका था कि वो महिलाओं को दौड़ दौड़ के पत्थर से मार दिया करते थे। इस तरह की पागलपन वाली सोसाइटी इसने क्रिएट कर दी थी प्रोपेगेंडा के माध्यम से। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस चैप्टर से जो आपने सीखा हो ये कि आप भी किसी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आलतू फालतू मैसेज आता रहता है उसको कहीं फॉरवर्ड मत कीजिए बिना उसको वेरीफाई किए, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई ऐसा मैसेज हो जिसके द्वारा कई तरह के लोगों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें फैला दी जाए, जिससे समाज में एक तरह का व्यवस्था का भाव पैदा होगा, समाज के लिए, देश के लिए बेटर नहीं होगा, हो सकता उससे कई लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही समझदारी भरा लगा होगा, इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। अगले वीडियो में जो कि लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग जानेंगे कितना सब करने के बाद लोगों के मन में किस किस तरह का रिएक्शन आया, यानी लोगों ने किस प्रकार का रिएक्शन दिया हिटलर के इन सारे हरकतों और व्यवहारों के प्रति।